ये मियाँ जी के होटल पे हम रुके हैं, तो फिर खाना खाने लगे हैं। इधर इस्लामाबाद से निकलने लगे थे तो हमने कहा जी चेक करते हैं कि कैसा होटल है। तो आप जब भी इस्लामाबाद आप इंडिया आएँ तो इस होटल का लाजमी खाना खाइए। बहुत ही टेस्टी आला क्वालिटी का साफ़ सुथरा माहौल है, बहुत ही टेस्टी खाना मिलेगा आपको यहाँ। अच्छा, हाँ, फ्रेश बकरे लगाए हुए हैं यहाँ पे, फ्रेश जूसेस वगैरह यहाँ पे हैं। ये क्या चीज़ है सर? क्या है? अंकल आपकी चाय भी बहुत कमाल की बनाते हैं आप, बहुत प्यार डालते हैं आप चाय में, बहुत अच्छा अंकल ये चाय बनाते हैं। ये देखिए खालस दूध है, और इस्लामाबाद में वैसे खालस दूध कम ही मिलता है। ये मियाँ जी के होटल पे हम रुके हैं, तो फिर खाना खाने लगे हैं। इधर इस्लामाबाद से निकलने लगे थे तो हमने कहा जी चेक करते हैं कि कैसा होटल है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्यारा ये होटल है, और इसके खाने बहुत ही टेस्टी हैं। तो आप ये मियाँ जी का होटल आप ट्राई कीजिएगा। इसके जो ऑनर हैं बहुत ही मिलनसार, बहुत ही मुत्तकी, बहुत ही अच्छे नाइस इंसान हैं। तो आप जब भी इस्लामाबाद आप इंडिया आएँ तो इस होटल का लाजमी खाना खाइए। बहुत ही टेस्टी आला क्वालिटी का साफ़ सुथरा माहौल है, बहुत ही टेस्टी खाना मिलेगा आपको यहाँ। क्या क्या होता है भाई? है? अच्छा, हाँ, गाजर का हलवा होता है। सबसे ज़्यादा मशहूर क्या है? गाजर का हलवा और रशियन सैलेड। बहुत रश है यहाँ पे, ऐसे ही रश रहता है यहाँ। फ्रेश बकरे लगाए हुए हैं यहाँ पे, फ्रेश जूसेस वगैरह यहाँ पे हैं। जिस तरह सिटिंग है बहुत अच्छी इनकी, और टेस्ट भी बहुत कमाल का साफ़ सुथरा, दूध पत्ती बहुत कमाल की यहाँ पे होती है। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट भी ऐसे ही इन्होंने नीचे बनाया हुआ है। ये किचन है, ये क्या चीज़ है सर? क्या है? अच्छा, मटन कबाब है। माशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा है सर आपका। ये हमारी बुक का सर ने बनाया है अपने। अच्छा, कौन ये, कौन से वाले? ये कदीर भाई। अच्छा कदीर साहब आप बनाते हैं? रशियन वाले ये भाई हमारे। अच्छा, सलाद काटते हैं ये। अच्छा, ये चाचू हमारे स्पेशल चाय वाले हैं। अच्छा, खाने कौन बनाता है? खाने ये बनाते हैं हमारे सारे। अच्छा, आप बनाते हैं? कदीर भाई आपका खाना बनाने का 3-4 साल से। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है यार। अंकल आपकी चाय भी बहुत कमाल की बनाते हैं आप, बहुत प्यार डालते हैं आप चाय में, बहुत अच्छा अंकल ये चाय बनाते हैं। ये देखिए खालस दूध है, और इस्लामाबाद में वैसे खालस दूध कम ही मिलता है, तो इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको ये देखें यहाँ फ्रीज़र वगैरह यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं यहाँ पे। ये चाय बन रही है यहाँ पे ताज़ा, तो बहुत अच्छा टेस्ट है इनका माशाल्लाह। खाने का क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये आगे आपको दिखाते हैं, ये मछली फ्राई करने के लिए यहाँ पे ये रखा हुआ ऑयल रखा हुआ है। तो ये टिक्के शिक्के बन रहे हैं, हजरत साहब टिक्के बना रहे हैं ये। तो टेस्ट भी बहुत कमाल का इनका है माशाल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट है। ये खाने वगैरह यहाँ पे पक रहे हैं, तो ये तंदूर पे रोटियां लग रही हैं यहाँ पे। ये आटा कहाँ से आता है? हैं? खालस होता है आटा? सही, मैदे के बगैर? अच्छा, मैदे के बगैर भाई कहते हैं ये वो होता है। तो ये देखें इधर बना रहे हैं भाई, क्या बना रहे हैं ये? हैं? चावल उबाल रहे हैं भाई। ये साथ क्या क्या बन रहा है? गोश्त मटन है, बीफ कढ़ाई साथ बन रही है।
ये भाई आपका नाम क्या है, उस्ताद साहब का क्या नाम है इनका? अच्छा आपका मोहम्मद अयाज है, अयाज हयात जी, ये मोहम्मद हयात साहब हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये भी कुक की है? आपके किस के स्पेशलिस्ट क्या हैं, किस चीज़ के हैं? अच्छा रशियन सेल। अच्छा 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 चाइनीज़ की, ये आपके एक्सपर्ट हैं। ये क्या बना रहे हैं? अच्छा गाजर का हलवा जी बना रहे हैं। तो भाई ये